हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉलीवुड क्रेजी न्यूज। क्या आप रोज जी टीवी पर गुड दिन तुमसे ना हो पाएगा देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज देखिए। अगर आप सच्चे फैन हैं तो इस शो को देखिए ताकि इस शो की टीआरपी बढ़े। वेल, मैं आपको बता दूं कि इस शो की टीआरपी आप लोगों के हाथ में है और इस शो के कैरेक्टर कितने वक्त तक के शो में रहेंगे वो भी आपके हाथ में। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि मेकर्स ने फैंस का प्यार देखते हुए अभी लीप को कैंसिल कर दिया है, कुछ वक्त के लिए कैंसिल कर दिया। 15 अगस्त तक के कोई लीप नहीं आएगा। आपको बता दें, फैंस के कई सारे मेल्स मेकर्स तक के गए हैं और उनका प्यार देखते हुए मेकर्स ने यह फैसला लिया है कि 15 अगस्त तक के लीप नहीं आएगा। और इसी बीच मेकर्स ये भी देखेंगे कि शो की टीआरपी कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। क्या फैंस जिस हिसाब से मेल कर रहे हैं, क्या सच में उसी हिसाब से वो शो को फॉलो करेंगे? दोस्तों, सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच्चे फैन हैं गुड दिन तुमसे ना हो पाएगा के, तो इस शो को प्लीज़ फॉलो करिए और टीआरपी में अच्छी पोजिशन पर इस शो को लेकर के आइए। अगर आप अक्षत से प्यार करते हैं, यानी कि निशांत सिंह मलकानी से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो शो का हिस्सा रहें, तो आप इस शो को ज़रूर से ज़रूर टीवी पर देखिए। अगर किसी कारण से आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो आप इसे Z5 पर जरूर से जरूर देखें। आपको बता दें, ऑनलाइन टीआरपी में गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा 13वें नंबर पर है। आपको जल्दी इसे टॉप 5 में लाना होगा। बाघ टीआरपी भी जल्दी आने वाली है। बाघ टीआरपी में देखना होगा कि ये शो कौन सी पोजीशन पर आता है, क्या आप इस शो को फॉलो कर रहे हैं रेगुलर या फिर नहीं, ये सारी चीजें टीआरपी से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, अगर आपकी वजह से मेकर्स ने अपना प्लान कैंसिल किया है तो आपको भी इस शो को रेगुलर देखना है ताकि शो जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलता रहे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।